प्राचीन समय से ही दोस्तों गांवों में काफ़ी सारी ऐसी कहानियां प्रसिद्ध हैं जो हमें काफ़ी चमत्कारी लगती हैं। ऐसी ही छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव उन्हीं के पास लीलागर नदी में एक हाथी पत्थर की कहानी प्रसिद्ध है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लीलागर नदी के हाथी पत्थर के बारे में। जय जोहार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। तो दोस्तों, आज इस नए वीडियो में मैं आप लोग को एक और नई खास जगह पर लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने हाथी पत्थर के बारे में बात किया है, जो कि जोक नदी पर स्थित है और जो पत्थर है उसकी आकृति एक हाथी की तरह है और वो भी एक रोचक कहानी है उसके पीछे। तो वो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और जगहों की तलाश में एक और जगह मिल गई है लीलागर नदी के पास। लीलागर नदी में भी एक ऐसी ही पत्थर की आकृति है जिसको लोग बोलते हैं कि यह पत्थर हाथी का आकार ले चुका है, रूप ले चुका है, और इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, वो आपको ये वीडियो में आगे पता चलेगा। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ मैं आज कहाँ आया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ उन्हीं के पास लीलागर नदी में। एक छोटा सा हाथी पत्थर है और आप लोग देखोगे तो शायद दिख जाएगा आप लोग के यहाँ बैकग्राउंड में। तो ये पत्थर भी एकदम हाथी के समान दिखता है, इसके पीछे कहानी भी जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मिला, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पास उन्हीं गांव के पास यहाँ पत्थरों का एक समूह है, ये आप देख सकते हो, तीन चार छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना हुआ, और ये पत्थर सबसे बड़ा है। ऐसा मानते हैं कि ये पत्थर कभी डूबता नहीं है, चाहे पानी कितना भी ऊपर हो जाए। और नागपंचमी के दिन यहाँ खास माहौल होता है और पूजा की जाती है। ऊपर में आप झंडा भी देख सकते हैं। लीलागर नदी दोस्तों छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है जो कोरबा से उत्पन्न होती है और आगे जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, इसी लीलागर नदी के पास एक छोटा सा गांव उन्हीं स्थित है जहां यह चमत्कारी हाथी पत्थर स्थित है। उन्हीं गांव दोस्तों बिलासपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर और जांजगीर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी लीलागर नदी के बीचों बीच दोस्तों उन्हीं गाँव के पास आपको एक हाथी पत्थर देखने को मिलेगा जो काफ़ी चमत्कारिक है। गांव वालों का यह मानना है कि इसकर चमत्कारी हाथी की एक आकृति बनी हुई है जो कि हाथी के मुख समान दिखाई देती है। साथ ही दोस्तों, यहां पास एक और कहानी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इसी पत्थर के नीचे एक इच्छाधारी सांप स्थित है जो नागपंचमी में सामने आता है। इस हाथी पत्थर की पूजा दोस्तों काफ़ी प्राचीन समय से की जा रही है और गाँव वालों के द्वारा यह देव के रूप में पूजा जाता है। आप हाथी के मुख की आकृति यहाँ पत्थर के ऊपरी भाग पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ जो सांप के बारे में कहानी प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है कि वह इच्छाधारी सांप अभी भी इस पत्थर के नीचे इस पेड़ पर यहाँ स्थित है। हालांकि काफ़ी समय से यहाँ कोई सांप नहीं दिखा है। काफ़ी सारे गांव वालों से पूछने के बाद पता चला है यहाँ उन्होंने कई बार सांप भी देखा है, जिसे वह इच्छाधारी नाग सांप के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी मात्र है या सच, इसका पता भविष्य में ज़रूर पता चलेगा। लीलागर नदी में दोस्तों कभी भी पानी भर जाता है तो भी यह हाथी पत्थर कभी नहीं डूबता है, ऐसा गांव वालों का कहना है। तो दोस्तों, यह हाथी पत्थर वास्तविक में एक चमत्कारी पत्थर है जो प्राकृतिक रूप से ही चमत्कार प्रदर्शित करता है और गांव वालों के द्वारा इसे कहानी के रूप में बताया जाता है। तो दोस्तों, यह था लीलागर नदी का हाथी पत्थर, और यह जो हाथी पत्थर था लीलागर नदी में स्थित है, एक छोटा सा गांव है उन्हीं उसके पास। आपको आई होप इसकी जो कहानी है वो दिलचस्प लगी होगी। तो दोस्तों, यह पत्थर पूरी तरह से प्राकृतिक है और वहां पर स्थित है नदी के बीच में और गांव वालों के बीच में एक किंवदंति इसके लेकर प्रसिद्ध है, इस हाथी पत्थर को लेकर जो कहानी के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। काफ़ी इंटरटेनिंग कहानी थी और मेरे को काफ़ी अच्छा कहानी लगा और जगह भी बहुत अच्छी है। तो आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे कुछ और चमत्कारी जगह आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोग से एक निवेदन है कि ये सारे जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, आप इसको एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट लीजिए, इसको सच्चाई मानने की जरूरत नहीं। अगर इवन सच्चाई मानते भी हैं तो भी इससे किसी का फायदा या नुकसान तो होने वाला है नहीं, तो आप लोग को इसको माइंड नहीं करना चाहिए। और जगह बाकी बहुत अच्छी थी। आई होप आप लोग को वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा, एंटरटेन लगा होगा। छोटा सा गाँव है, उसके बगल में लीलागर नदी है और वहाँ एक हाथी पत्थर है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।